देख रहे हैं ISI7 न्यूज़ और हमारे साथ है अमित जानी जी, जो एक रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जो रणनीतियां हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्य करनी है, हम बता रहे हैं लोगों को, कार्य लोगों को समझा रहे हैं लोगों को इस रथ यात्रा के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव सर पर खड़ा है। हम लोग नेताजी का पैगाम लेके उत्तर प्रदेश के 41 जनपदों में जा रहे हैं। 2007 से 2012 तक की जो केंद्र सरकार, जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी मायावती जी की, वो भी आपने देखी है और माननीय मोदी जी को भी आपने 2.5 साल में देख लिया कि अच्छे दिन आए हैं या ATM की लाइनों में, बैंकों की लाइन में बुरे दिन आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग हम ये कह रहे हैं कि 2014 में जो गलती आपने की, 2017 में ना दोहराएं। 2017 में बसपा और भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुस्तकबिल है वो समाजवादी विचारधारा में सुरक्षित है। मुलायम सिंह का हर जनपद में हमें हजारों लोग मिलते हैं और वो हजारों लोग समाजवादी पार्टी के साथी नहीं होते, वो लोग आम लोग होते हैं। जब उन्हें बदलता है नेताजी का पैगाम आया है, वो तो लोग उमड़ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी ने दिया है उत्तर प्रदेश को, जिसने एक व्यक्ति को भी जाति और धर्म के आधार पर लाभ नहीं बताया, सबको साथ लेके काम किया। जो नारा नरेंद्र मोदी देते हैं, सबका साथ सबका विकास, असल में उस नारे को साकार जो किया है वो अखिलेश यादव जी ने किया है। उत्तर प्रदेश और देश के समस्त नौजवानों को, भारतीय नागरिकों को मैं आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। नमस्कार, मैं जिगर का, आप देख रहे हैं ISI7 न्यूज और हमें गोविंदपुर बसोली में, और हमारे साथ हैं यहाँ के सेक्रेटरी जो हमें बताएंगे यहाँ के ग्रामीण विकास कार्यों के बारे में। यहाँ पे जो समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी हमारा गाँव ये इसमें आया है, जनेश्वर मिश्र में, तो उनके विभाग से जो है यहाँ पे CC रोड बन रही है और हमने भी इसमें यहाँ पे 2 CC रोड बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं और अब हमारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंतर्गत हम जो है लोगों को समझा रहे हैं कि स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग करें और खुले में शौच करना बंद करें। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे टीम आई है तो वो अब जो है घर घर सर्वे करेगी, तो जो सक्षम लोग हैं वो तो खुद बनाएंगे और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनके जो है गवर्नमेंट सबके शौचालय बनवा के देगी। और मैं आपको जो है नववर्ष के उपलक्ष में आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित ग्राम